अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां शराब पीकर सड़क पर लोगों को परेशान कर रहे आधा दर्जन नशेड़ियों के सामने जब पुलिस आकर खड़ी हुई तो एक पल में ही उनका नशा उतर गया। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित रुद्र ढाबे के सामने की रात करीब 11:30 बजे की है। हंगामा करने वालों ने पुलिस के पैरों में गिरकर माफी भी मांगी, लेकिन लोगों से की अभद्रता पर पुलिस ने उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। टीआई पुरानी छावनी सुधीर सिंह कुशवाहा ने बताया कि रात सूचना मिली थी कि हाईवे स्थित होटल रुद्र के सामने आधा दर्जन युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं। यह लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे, वहां से गुजर रहे लोगों को परेशान कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर वाहनों का जाम लगा हुआ था। कुछ लड़के हंगामा कर रहे थे, शराबी युवक आपस में मारपीट कर रहे थे और जो भी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था उनसे अभद्रता कर रहे थे। मौके पर वाहन चालकों ने पुलिस को बताया कि नशेड़ी इस तरह हंगामा कर रहे थे कि कहीं एक दूसरे की जान ही ना ले ले। कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह समझाने का प्रयास करने वालों से ही उलझने लगे, जिस पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 लड़कों को पकड़ा है। पुलिस को देखकर सभी के होश उड़ गए। जैसे ही पुलिस हंगामा कर रहे युवकों के सामने आई तो नशेड़ियों का एक पल में ही नशा उतर गया और उनके पसीने छूट गए। पुलिस से हंगामा करने वाले माफी मांगने लगे। पुलिस ने सबसे पहले हंगामा कर रहे नशेड़ियों को थाने पहुंचाया और यातायात को शुरू कराया।